आज आपका इंतज़ार हुआ ख़त्म, क्योंकि आज है आपके लिए एक कैंडल वैक्स रीडिंग। नमस्ते आप सभी को, मेरी सोल फैमिली, ठीक है, मेरे सोल फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करती हूँ इस न्यू रीडिंग में। हरे कृष्णा, आप सभी के लिए लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। आज की रीडिंग आपके और आपके पर्सन के बीच में जो करंट स्थिति है उसको लेके होगी। रीडिंग को ध्यान से देखना, जो चल रहा है इस रीडिंग में आप उसको कोशिश करना कि बहुत काम माइंड से सुनो, बहुत धीरे से उस एनर्जी को अपने से रिलेट करने की कोशिश करो। हर रीडिंग की तरह टेक वॉट एवर रेजोनेट्स और बाकी छोड़ के जाओ, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, इट्स ऑल एनर्जी। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एनर्जी रीडिंग है, ठीक है। बस आपको शांति बनाए रखनी है, आपको बिल्कुल भी कोई ऐसी बिटर मेमोरीज नहीं सुननी, नहीं देखनी, नहीं याद करनी जिससे आपके और आपके पर्सन में कड़वाहट और आए। तो आज का जो मैथ स्टिक है वो मेरा पेशेंस टेस्ट कर रहा है, बुझ चुका है कई बार, फिर भी मैं कोशिश करती रहूँगी, क्योंकि क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस, फाइनली ऐसा लग रहा है कि देयर इज सम चेंज ऑफ इवेंट्स। अब दोनों की लव लव एनर्जी पे मैं कुछ बोलना चाहूंगी। ऐसा लग रहा है कि कोई नया ट्विस्ट आ रहा है, या फिर कुछ ऐसा कुछ जो आपने नहीं सोचा था। और ये जो एक सडन चेंज है आपके रिलेशनशिप में, एक ड्रास्टिक चेंज है, वो इस वजह से है क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सब चीज़ चेंज हो रही है। थिंग्स आर नॉट इन योर कंट्रोल। जब आपने इस रिलेशनशिप को एक नई डायरेक्शन देनी चाहिए या चीज़ें अपने कंट्रोल में करनी चाहिए है, तब आपके कंट्रोल में चीज़ें कभी नहीं रही है। ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ, चाहे आप या आपके पर्सन, या कुछ ना कुछ बाहर की चीज़ें इस रिलेशनशिप में रुकावट बनती रही है। क्या इस बात को अग्री करते हो? कमेंट सेक्शन में लिखो ब्लॉकेज। लेकिन नाउ इज़ द टाइम, ऐसा लगता है कि आप अपने आप को इस रिलेशनशिप से अलग कर चुके हो, यू आर आउट। अपनी तरफ से आप इस रिश्ते में गिव अप कर चुके हो। कौन कौन गिव अप कर चुके हैं इस रिश्ते में बताइए, कौन कौन इस रिश्ते से बिल्कुल गिव अप कर चुके हैं बताइए। ओ माय गुडनेस, ऐसा लग रहा है कि जब आपने गिव अप किया है ना, आप खड़े हुए हो जाने के लिए, आप अपनी लाइफ में सही से चल रहे हो, आपके पास्ट की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बोलूँगी कि जो आपके लिए आपने ओवर कर दिया, आपको लगा कि आप कभी यहाँ से लौटोगे नहीं। होता है ना, हम में से बहुत सारे लोग होंगे जिनकी स्कूल कॉलेज का जो एक्सपीरियंस होगा वो इतना ज़्यादा मेमोरेबल नहीं होगा, इतना ज़्यादा ऐसे नहीं होगा कि इतना ज़्यादा ऐसा नहीं रहा होगा कि बहुत प्लेजेंट, कि सम पीपल से आई मिस माई स्कूल, आई मिस माई कॉलेज, इवन आई डोंट से कि आई मिस माई स्कूल और कॉलेज। तो ऐसा लगता है कि आपके लिए वो चीज़ ओवर हो गई है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है जो जैसे कोई रिलेशनशिप रहा है स्कूल में या कॉलेज में या प्रीवियसली, तो आप उस चीज़ को भूल नहीं पाते हो बहुत जल्द।
आप उस चीज़ को डिसमिस नहीं कर पाते हो बहुत जल्द। ठीक है, बहुत जल्द नहीं कर पाते हो बिकॉज़ आपका दिल इतना ज़्यादा डेलिकेट है, इतना सॉफ्ट है कि आप सबको अपना मान लेते हो। आप किसी को भी ऐसे नहीं सोचते कि ये पराया है, ये झूठ बोल रहा है। इसी वजह से आपको बहुत ज़्यादा धोखे मिलते हैं। तो आपने, मुझे नहीं लगता कि पीछे जाके बार बार आप चीज़ों को बोलते हो कि ये इंसान ऐसे होता है, ये इंसान ऐसे मिल जाता है, ये इंसान ऐसे होता, ऐसे बहुत कम होता है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो आपके जो पर्सन हैं, इट्स लाइक वो रास्ता बना रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। इट्स लाइक वो खुद ब खुद ही सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में वो कैसे वापस से आ सकते हैं। पहले जैसे आपकी अंदर की जो फीलिंग्स है, जो आपकी लव इमोशंस है, उसको कैसे ये जगा सकते हैं। बिकॉज ताली तो एक हाथ से नहीं बजती। यहाँ पे आपका पर्सन का बहुत ज़्यादा, मैं देख रही हूँ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता हुआ दिख रहा है। जहाँ ये इंसान या तो मैनिफेस्टेशन या तो पामिस्ट्री, जो हाथ देखते हैं ना, और या तो ऐसा मान लो कि ये बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देखना चाहते हैं, ये बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स सुनना चाहते हैं या सुन रहे हैं या जानना चाहते हैं आप दोनों के फ्यूचर के बारे में। इससे पहले इन्होंने कभी भी इन सब चीज़ों में नहीं किया है, बट दे सीरियसली सीरियसली वॉन्ट टू लर्न थिंग्स, दे सीरियसली वॉन्ट टू लर्न थिंग्स। ओ माई गुडनेस, ये सच में जानना चाहते हैं आप दोनों का फ्यूचर। ठीक है, सच में जानना चाहते हैं ये जानना चाहते हैं कि आप इनके बारे में इस समय कैसे फील कर रहे हो, क्योंकि आपके मुंह से ये सुन नहीं पा रहे हैं। आपके पर्सन को लगता है कि आपने अपने आप को इतना ज़्यादा प्राइवेट बना लिया है, इतना ज़्यादा आप अपने गार्ड्स को आपने हाई कर लिया है कि हर कोई आपके बारे में बहुत कम जानता है। बिकॉज प्राइवेसी इज़ द की, प्राइवेसी इज़ द की। आपको ऐसा लगता हो सकता है कि लोग आपके बारे में बहुत जानते हैं, लेकिन दिस इज़ समथिंग, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि कोई अगर आपका बहुत ज़्यादा प्यारा ना हो, बहुत ज़्यादा आपके क्लोज ना हो ना, आपकी लाइफ के बारे में ज़्यादा कुछ जान नहीं सकते। ठीक है, बहुत मुश्किल है आपसे कोई भी बात आपकी लाइफ से निकलवाना। तो इस बार इस पर्सन को मैं बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में देख रही हूँ। जैसे ये पर्सन जेन्युइनली रास्ते निकाल रहे हो, जहाँ जेन्युइनली अभी सोच रहे हो बहानों के बारे में कि कैसे ये आपकी लाइफ में दोबारा से आए, किसी ना किसी बहाने से, किसी ऐसी चीज़ से। देखो, आप इनको प्यार बहुत करते हो, ये चीज़ वो जानते हैं। आप उनकी तबीयत ख़राब के बारे में सुनोगे या कोई सीरियस प्रॉब्लम के बारे में सुनोगे ना, तो आप इतने बेरहम नहीं हो कि आप उनसे मुड़कर पूछोगे नहीं। ये अच्छी तरीके से जानते हैं, आप इतने बेरहम नहीं हो कि आप उनसे मुड़ के पूछोगे नहीं। आप बहुत ज़्यादा, हो सकता है पूछो भी, आप हो सकता है कि आप, हो सकता है कि मिल भी पाओ या मिल भी लो, या एटलीस्ट आप मतलब कंसर्न तो होगी। अगर हेल्थ से बात हुई रिलेटेड या फैमिली से रिलेटेड बात हुई तो ये पर्सन वैसे ही कुछ सोच रहे हैं, कुछ ऐसा एक्सक्यूज़ देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपके दिल में ना वो हमदर्दी जता पाएँ। ठीक है, कोई ना कोई चीज़ ऐसी बात आपको बताएं जिससे आप उनके पास दौड़े चले आओ। एटलीस्ट वो चाहते हैं आपके अंदर वो प्यार, वो दोस्ती वो जगा पाएँ, सॉफ्ट कॉर्नर, आपके मन से वो कड़वाहट हटा पाएँ। तो उस चीज़ को ये पर्सन सोच रहे हैं। माय गुडनेस, ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जानते हैं यू आर द सेम पर्सन, आप ज़्यादा बदले नहीं हो। आपने ऊपर ऊपर से बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर से हटाया है। और अगर मैं इनकी आंखों से देखूँ ना, इस समय ये इंसान फील कर रहा है सुबह से, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, टॉरस, लिब्रा, वर्गो, एक्वेरियस, सेजिटेरियस, एंजल्स मैसेजेस दीजिए, एरीज, लिब्रा, वर्गो,
जेमिनाई, ऐसा लगता है कि ये जो राशियां हैं वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। और आपके पर्सन को आज सुबह से ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ द टाइम, फेस्टिवल का टाइम, दिस इज़ द टाइम। इंसान कोई भी बहुत ज़्यादा ग्रजेस में नहीं होता है, खुशी होती है, प्रॉस्पेरिटी होती है, एक सॉफ्टनेस होती है इंसान के अंदर। इंसान आकर वो चीज़ कर ले, इंसान आकर वो चीज़ निपटा दे, इंसान आकर वो आपसे प्यार से बोल दे, तो शायद आपके अंदर गुस्सा कम होगा। मतलब ये आपको गुस्सा नहीं दिलाना चाहते, ये नहीं चाहते कि आप उनकी बात पर रिएक्ट करो। इस वजह से ये एक ऐसा टाइम ढूंढ रहे हैं जहाँ आप सॉफ्ट रहो, जहाँ मेंटली आप थोड़े से काम रहो और ये आपको अपनी शक्ल दिखा दें या आकर सीधा आपको सरप्राइज़ दे दें, कुछ ऐसी एनर्जी ये चाहते हैं। दिस पर्सन रियली इज सॉफ्ट टूवर्ड्स यू। इस समय इनकी एनर्जी बहुत सॉफ्ट है, बहुत सरेंडरिंग वाली एनर्जी है, बहुत काम एनर्जी है। ऐसा लगता है कि इस बार बात करने का तरीका इनका बहुत अलग होगा, बहुत काम डाउन होगा, जैसे कि कोई पहली बार किसी को प्रपोज कर रहा हो, जैसे कि कोई पहली बार किसी से एक कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हो, जैसे कि कोई पहली बार किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन बहुत सावधानी से, बहुत परमिशन से, क्योंकि ऐसा तभी जब ये इंसान आपको जानते हैं, आपकी चीज़ों को जानते हैं, आप इनको एक बार देख भी लोगे ना प्यार से, इनके लिए बस इतना काफ़ी है, बात हो चाहे ना हो। मतलब आपकी तरफ से एक भी नजराना मिला तो इनको लगेगा कि बस पूरा साल सफल हो गया, पूरा साल सफल हो गया। इसी के बारे में ये सोच रहे हैं, इसी के बारे में ये ऐसा लगता है कि किसी से बात भी कर रहे हैं, किसी जान पहचान वाले से बात कर रहे हैं। जब भी इनको ये पॉजिटिव सोच रहे हैं ना इस बारे में, ड्रीम में भी ऐसा लगता है, पिछले दिन इनका मन है, पता है आपको, एक तैयार होते हैं ना फेस्टिवल्स पे, चाहे मेल हो फीमेल हो, इनकी एक आशा है आपको तैयार होते हुए देखना। आप आज कैसे तैयार हुए हो, आपने क्या पहना है, ठीक है, आपके चेहरे पे कितना ग्लो है, वो सब ये देखना चाहते हैं, उसको ये हटाना नहीं चाहते किसी भी हालत में। इनको ऐसा लगता है कि आपको, दे आर वेरी लकी दैट दे फाउंड यू। इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा लकी हैं कि बहुत यूनिक पर्सन इनको मिला है। दे आर जस्ट क्यूरियस अबाउट यू विद लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। आप आंसर करने के लिए तैयार है ना, क्योंकि ये आपसे बहुत सवाल पूछना चाहते हैं।